केयर रेटिंग्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेहुल पंड्या साहब जुड़ रहे हैं। पंड्या साहब स्वागत है। और पंड्या साहब को आपको याद होगा हमने टीज करा था मंडे को, पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो नमस्ते ट्रंप जो स्टेडियम में था वहां पे फंक्शन, वो डिले हो गया तो हम लोग की बातचीत नहीं हो पाई। ट्यूसडे को सर फिर आए और फिर उस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की और मोदी जी की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो डिले होकर इस शो में आ गई, फिर बात नहीं हुई। फिर फाइनली सर, क्योंकि कल टाइम नहीं निकल पाए, आज सर से वापस मुलाकात हो रही है। सर सॉरी, ये हफ्ता थोड़ा सा गड़बड़ा गया, नहीं तो हम लोग मंडे को बातचीत कर रहे होते, लेकिन आप जानते हैं किस तरह से इवेंट फ्लो था। लेकिन चलिए, मैं कई सारी चीजें हैं सर, मैं पहले फाइनेंशियल से शुरुआत करना चाहूंगा। वो फाइनेंशियल जरा सीरीज पर लेकर आए जो इस कंपनी के Q3 के नंबर्स आए थे। वीकनेस है आय में, इबीटा में, मुनाफे में, सब में दबाव देखने को मिल रहा है। साल दर साल आय 22%, मुनाफा 43% की कमजोरी। क्यों इस तरह का फाइनेंशियल से दबाव है मेहुल जी? क्या चल रहा है? इस तरह का प्रेशर क्यों झेलना पड़ रहा है केयर रेटिंग्स को इस समय? देखिए, इसका आप कॉन्टेक्स्ट रेटिंग बिजनेस का आप जब भी एनालिसिस करते हैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में और बैंक क्रेडिट ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो हाँ, मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो अक्रॉस द इंडस्ट्री जो न्यू रेटिंग बिजनेस अगर हम देखें तो अक्रॉस द इंडस्ट्री न्यू रेटिंग बिजनेस वो ऑलमोस्ट 39-40% जितना नंबर ऑफ एंटिटीज के पैरामीटर से डाउन है। जो जीडीपी ग्रोथ पे जो इम्पैक्ट आई है दैट इज वन पैरामीटर। जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के लिए जिसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इसकी वजह से जो न्यू एंटिटीज टू बी रेटेड, जो नए बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। और उसके मुकाबले जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 39% जितना न्यू एंटिटीज रेटेड अक्रॉस द इंडस्ट्री डाउन हुआ है, तो उसका डेफिनेट इम्पैक्ट हमारे न्यू बिजनेस जनरेशन पे पड़ा हुआ है। उसकी वजह से लास्ट ईयर के सिमिलर पीरियड के मुकाबले हमारा परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस एज वेल एज 9 मंथ परफॉर्मेंस डाउन रहा है। तो आप कह रहे हैं रेटिंग मैंडेट्स में अक्रॉस द बोर्ड स्लोडाउन के बीच में दबाव देखने को मिल रहा है, उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। तो कब तक हालात, इस समय डिमांड एनवायरमेंट क्या है? Q3 के बाद से क्या कुछ हालात सुधरे हैं या फिर कब तक हालात सुधरने की उम्मीद है सर? देखिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हम लोग जब देख रहे हैं तो जो प्रोग्नोसिस हमारा है वो है कि जीडीपी ग्रोथ करीबन 6-6.5% के बीच में रह सकता है। इस साल का हमारा जो आउटलुक है वो करीबन 5% के आसपास रह सकता है और FY21 के लिए 6-6.5% के आसपास रह सकता है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है वो है बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री एंड बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट जो एडिशनल बोरोइंग जो भी कॉर्पोरेट करते हैं या तो उनके कैपेक्स रिक्वायरमेंट के लिए उनकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है बैंक फाइनेंस की, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। तो मैं यही कह सकता हूं कि वी आर कॉशियस एज फार एज FY21 इज कंसर्न, क्योंकि काफी सारे जो मूव्स केंद्र सरकार ने भी लिए हुए हैं जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NBFC सेक्टर। तो बेसिकली आप कह रहे हैं जब ये बैंक क्रेडिट ये फ्लो जब इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा तब हालात सुधरेंगे, तब रेटिंग्स के लिए लोग आपके पास आएंगे, तब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक बात, तो अब वो देखना होगा FY21 में क्या वाकई मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट आता है इस क्रेडिट फ्लो में या नहीं आता है। लेकिन इस बीच के आप लोगों ने अपना मार्केट शेयर मेंटेन करा है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं मैक्रो एनवायरमेंट में दबाव था तो शायद अक्रॉस द बोर्ड रेटिंग एजेंसीज प्रेशर झेल रही होंगी। आपका मार्केट शेयर जस का तस है कि नहीं, इंप्रूव कर पाए नहीं कर पाए, या मार्केट शेयर क्रेडिट रेटिंग्स लूज आउट कर रहा है सर? देखिए, मार्केट शेयर का रेटिंग एजेंसीज में एनालिसिस इस तरह से करना चाहिए कि नंबर ऑफ रेटिंग्स जो आप कर रहे हैं और खास करके जो नंबर ऑफ न्यू रेटिंग्स आप हर साल कर रहे हैं, क्योंकि न्यू रेटिंग्स दे एड अप टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस। तो आपका जो न्यू रेटिंग बिजनेस जिस तरह से चल रहा है उसमें कितना एडिशन आप कर पा रहे हो, उस नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी आप जोड़ रहे हो आपके बेस में, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अक्रॉस द बोर्ड मैंने बताया कि करीबन ऑलमोस्ट 39% जितना कॉन्ट्रेक्शन हुआ है लास्ट ईयर के सिमिलर पीरियड के मुकाबले, पर हमारा जो मार्केट शेयर है ये पैरामीटर के मुताबिक हम लोग काफी हद तक मेंटेन कर पाए हैं ये मार्केट शेयर। तो इसमें इतना ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप कह रहे हो मार्केट शेयर मेंटेन कर पाए, मैं इसीलिए, तो इसका मतलब क्रिसिल के बाद केयर रेटिंग सेकेंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी थी इस देश की,
वो स्टेटस जस का तस बना हुआ है ना. दैट्स राइट. हाँ, तो आप सेकेंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी हैं. मैं इसीलिए बार बार ये सवाल मार्केट शेयर को लेकर उठा रहा था क्योंकि Q3 के नंबर्स आपके आने से पहले मैंने तीनों लिस्टेड रेटिंग एजेंसीज के चेक करे. Q3 में केयर रेटिंग का आय जो है 23% गिरी, इकरा की केवल 6% गिरी और क्रिसिल की तो फ्लैट थी, गिरी नहीं, 0.5-0.6% ही कमजोर थी. तो आपने लूज आउट ज्यादा करा, इसीलिए मैं जानना चाहता था कि क्या मार्केट शेयर लूज आप ज्यादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. देखिए जो रेटिंग इनकम रिपोर्ट की जाती है वो रेटिंग इनकम के दो फंक्शंस हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. एक नया बिजनेस जो आता है उसकी इनकम कितनी हुई और दूसरी आपके जो एग्जिस्टिंग आपका जो एग्जिस्टिंग बेस है जिसको हम लोग सर्वेलेंस इनकम बोलते हैं. हाँ. तो वो सर्वेलेंस इनकम आपकी कितनी हुई है, तो ये दोनों एडअप होकर रेटिंग इनकम रिफ्लेक्ट होती है. अगर आप देखें तो कंपनी टू कंपनी ये डिफर हो सकता है क्योंकि अगर आपके जो क्वार्टरली नंबर्स या जो पीरियड के नंबर्स हैं 9 मंथ्स के या 6 मंथ्स के, उसमें ये दोनों चीजों का आपका कंट्रीब्यूशन कितना रह रहा है. मेरे हिसाब से इसका सही एनालिसिस हम लोग 12 मंथ्स फिगर के बेसिस पे ही करें तो ही बेहतर रहेगा क्योंकि कौन सी एजेंसी ने कौन से क्वार्टर में या कौन से 6 मंथ्स या 9 मंथ पीरियड में कितना सर्वेलेंस किया है और कितना न्यू बिजनेस किया है ये इन आंकड़ों से पता नहीं चल पाएगा. पर जब हम 12 महीने का फुल ईयर रिजल्ट हम एनालिसिस करेंगे तब ये कंपेरिजन. तो आप कह रहे हैं बीच में ना जाके अभी Q4 के नंबर्स आ जाएं, उसके बाद दरअसल हमें देखना होगा कि कौन कहां स्टैंड आउट कर रहा है, मार्केट शेयर किसने गेन करा किसने लूज आउट करा. ठीक है. अच्छा, मैं मार्केट शेयर लूज आउट करना, धंधे पे आपके ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना, फाइनेंशियल्स पे आपके ज्यादा इम्पैक्ट करना की बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि आप सेबी ने एक शो कॉज नोटिस जारी करा था आपके चेयरमैन साहब, आपके पूर्व एमडी और सीईओ साहब के अगेंस्ट में. ये सब जो सेबी की जांच चल रही थी, ये चेयरमैन साहब का एमडी सीईओ साहब के रिजिग्नेशन जो हुए थे, इन सब का तो धंधे पर असर नहीं पड़ा, उसका इम्पैक्ट तो नहीं है. ये पूरा जो सेबी का जो ये चल रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ये हमने पूरा स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी अनाउंस किया है टाइम टू टाइम जिस तरह से इसमें प्रोग्रेस हो रहा है. मैं यही कह सकता हूं कि इसका बिजनेस के ऊपर हमने कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं देखा है और उसका सबसे मेजर रीजन ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है कंपनी का वो बरकरार है. हमने सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे कोई एट्रिशन देखा नहीं है तो इसकी वजह से ये काफी हद तक जो पूरा बिजनेस चल रहा है, रेटिंग ऑपरेशंस देखें या रेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट देखें या कंपनी के दूसरे और भी कोई फंक्शंस देखें, ये इसमें लार्जली कंटिन्यूटी मेंटेन रही है. उसकी वजह से तो आप कह रहे हैं धंधे पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है सर. हाँ, खैर नए एमडी सीईओ की तलाश भी देने की इस बीच जारी है. अच्छा, सेबी ने 25 लाख रुपए का फाइन लगाया था केयर रेटिंग्स पे उस मामले पे जहां पे लैप्सेस पाए गए थे INFS के, लैप्सेस पाए गए थे DHFL की रेटिंग को लेकर. अब कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि शायद इसके ऊपर इंक्रीज पेनल्टी लगाई जा सकती है और बढ़ाया जा सकता है. ये फुल एंड फाइनल सेबी की गाज नहीं थी क्या? ऐसा हो सकता है कि यहां से पीनल एक्शन और भी हो सकते हैं इस कंपनी के ऊपर? देखिए, सेबी इस मामले में कुछ इंटरनल थिंकिंग उनका भी चल रहा है और जो भी कुछ इसमें डेवलपमेंट होगा हम टाइम टू टाइम स्टॉक एक्सचेंजेस में बता देंगे. इसका अगर कुछ भी कम्युनिकेशन आता है इस तरह से, अगर कुछ फाइन बढ़ाती है सेबी आगे चल के, तो जो भी कुछ होगा विल बी ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोजिंग. अच्छा, इंटरफेरेंस हुआ था रेटिंग एक्सरसाइजेज में तमाम कंपनीज के, ये एक इश्यू सामने आया था जिसके चलते टॉप मैनेजमेंट के रिजिग्नेशन हुए, जिसके चलते सेबी के वो पीनल एक्शन हुआ, फाइन करा गया आप पे. तो अब इन जो लैप्सेस थे कैसे आप अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हैं, कैसे प्रोसेसेस को, कैसे स्ट्रक्चर्स को बदल रहे हैं अब ताकि ये फिर से इस तरह के हादसे ना हों? देखिए, स्पेसिफिक केस के मामले में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, जो भी जांच सेबी ने भी हमको कहा है उस तरह से जो भी चल रही है, तो मैं उसके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा. मैं केवल ओवरऑल जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स पे हमने जो कदम उठाए हैं उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल रेटिंग एजेंसी हमने भी इसके बारे में काफी इंट्रोस्पेक्शन करके एक काफी रेप्यूटेड एजेंसी को हमने पूरा रेटिंग प्रोसेस पूरा एनालाइज करने के लिए उनको ये असाइनमेंट दिया था. हाँ. और उन्होंने कुछ चेंजेस भी हमको सजेस्ट किए थे टू फर्दर. तो आपने मतलब
आउटसाइड एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करा, कुछ चेंजेस करें, बदलाव करें, तो सेफगार्ड इन प्लेस है, शदरीका ना हो, इस तरह की कोई दिक्कत. अच्छा, जाते थे एक सवाल, तमाम दिक्कतों में है क्या रेटिंग सर इस समय? स्टॉक भी गजब का प्रेशर दिखा रहा है. क्रिसिल स्टैंडर्ड एंड पुअर प्रमोटर है, 67% की होल्डिंग. इकरा दूसरी दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज प्रमोटर है, 52% का स्टेक. के रेटिंग्स में इस समय कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, पर 2017 का वो समय था जब फिच के बीच में, क्रिसिल के बीच में जंग चढ़ गई थी आपको खरीदने के लिए. क्रिसिल का तो मेरे ख्याल से आज भी 8.5% स्टेक है. इन दिक्कतों के बीच में खरीदार आ रहा है क्या? अब ये तो जो भी पोटेंशियल अगर कोई दावेदार हो भी सकता है तो उनके अब पूछेंगे, ये बेहतर रहेगा. पर मैं केवल ये कह सकता हूं कि उस समय जब सेबी ने इस मामले में कि एक एजेंसी दूसरी रेटिंग एजेंसी में कितने हद तक शेयर्स ले सकती है, होल्डिंग रख सकती है, तो सेबी ने भी इसके लिए गाइडलाइंस अपनी नोटिफाई की थी. तो ये मामला तो बाद में रेगुलेटर को ही देखना है. पर मैं तो यही कहूंगा कि कोई अगर हमारे कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि उनको हमारे बिजनेस मॉडल पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि दिक्कतों में है और इस तरह का कोई भी एक्शन होता है तो मजा आ जाएगा. खैर ठीक है, आप कह रहे हैं आप जब एनवायरमेंट सुधरेगा, जब बैंक क्रेडिट इंप्रूव होता जाएगा सिस्टम में, तब फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट या हालात सुधरते हुए नजर आएंगे. ऑन दैट नोट, मेहुल पांड्या साहब बहुत बहुत धन्यवाद डिटेल में वक्त निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए. सॉरी इससे पैरेलल इंटरेक्शन हम लोग के बीच में हो नहीं पाए. या स्टॉक पे जो फंडामेंटल कॉल है वो टारगेट इन्वेस्टिंग का आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगा. मैं क्विकली यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एसएमई कॉल.